ये क्या चाय है क्या? तो अब दोस्तों मनचाऊ सूप आ गया और ये टोमेटो सूप है भाई। चाय की तरह दिख रहा है, चाय की तरह दिख रहा है भाई। इनको चाय की तरह। ये देखिए ये टोमेटो के साथ ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, टोस्ट आता है, कनाडी टोस्ट। और ये है स्मोकी पनीर। स्मोकी पनीर, इसमें से स्मोक निकलता है, ये देखिए अच्छा दिख रहा है वैसे, स्मोक निकला। और ये रोटी दोस्तों इतना बड़ा है कि आप खाते खाते थक जाओगे। अरे पेट भर गया ऐसा लग रहा है। क्या हो गया? पार्टी खत्म, धर्मेश की पार्टी इसमें हो रही है। और हाँ, आज की पार्टी है जो मिस्टर धर्मेश जाविया की है। आज की पार्टी ऐसा है, डेढ़ साल के बाद पठान की तरफ से है। और वो जुनैद का पठान ऐसा बोलता कि अभी जो भी पार्टी होगा सब मेरी तरफ से करेगा। अब समझ सकते हैं इसकी भावना क्या है अभी। क्योंकि मुझे तो जुनैद का पठान का बुलावा आया था। ये थोड़ा मजाक ही आदमी है, वो मजाक करता रहता है। और भाई साहब ये डेढ़ साल के बाद पार्टी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। और ये देखिए दादी अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे बिल्कुल बगल में, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, बहुत ही अद्भुत नजारा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, आप भी खुश हुए, अच्छा लग रहा है। हमारे दोस्त का बर्थडे है, अभी रिसेंटली गया 27 जुलाई। हां तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भाई। थैंक यू। और गाइस ये स्प्रिंग रोल आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं हमको ये स्प्रिंग रोल। अब देखते हैं टेस्ट में कैसे है। तो भाई आप लोगों को अब क्या लग रहा है, आपका पेट भर गया है? आपको भूख लगी है क्या इतना? थोड़ा तो एक काम करते, थोड़ा मंगा लेते जीरा राइस और दाल तड़का, अच्छा रहेगा ना? दाल तड़का दे दो, तड़का अच्छा बटर में, मेरा लस्सी ले लेना, स्वीट लस्सी, यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है ना गाइस। तो कैसा रहा आप लोगों को खाना, कैसा लग रहा है तो बताइए, तो यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा टेस्ट है, बुरा आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो मतलब आना चाहिए, पर इतना क्राउड रहता है फ्राइडे के दिन भी, जितना क्राउड है, क्राउड देखिए, क्राउड रहता है, क्राउड तो इसलिए रहता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया है और सर्विस बढ़िया है, इसलिए तो क्राउड रहता है। बहुत ही ज्यादा क्राउड है, और मेन चीज क्या है, ये गुजराती रेस्टोरेंट है इसलिए क्राउड ज्यादा रहता है, क्योंकि लोग क्या है गुजराती रेस्टोरेंट काफी, तो पंजाबी नहीं मिलता क्या यहाँ पे? हमने तो पंजाबी खाया, गुजराती रेस्टोरेंट है मतलब पंजाबी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो गुजराती तो तुमने कुछ खाया नहीं? तो गुजराती मंगवाना है, दाल खिचड़ी मंगवाई है, आएगी अभी नहीं, दाल दाल और राइस मंगाया, दाल खिचड़ी बोला नहीं, नहीं नहीं तुम तो गाइस अब आ गए हैं जीरा राइस और दाल तड़का बटर में, तो अब देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका, आप खा के बताना हमको धर्मेश। बहुत ही बढ़िया है सर, लीजिए सर, लीजिए रवि। गाइस हम लोग भी खा रहे हैं जीरा राइस दाल तड़का, जो कि मेरा फेवरेट डिश है, और ये पूरा दबा के खाएगा। किसको दबा के खाएगा? जीरा राइस दाल तड़का। तो गाइस अब दाल चावल आ गए हैं यहाँ के, बहुत ही टेस्टी है तड़का लगा के। काफी अच्छे हैं और थोड़ा अलग सा टेस्ट है कंपेयर टू ऑल अदर रेस्टोरेंट्स इन भरूच। दाल का बड़ा अच्छे से बड़ा तड़का लगाया बटर में और मजा आ रहा है खाने में, बिलीव मी। कैसा लगा रेस्टोरेंट आपको? रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, तो फैमिली के साथ आप आ सकते हो, बहुत सारे टेबल हैं और वेटिंग एरिया भी अच्छा है, गार्डन भी है और बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह भी अच्छी सारी, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और पार्टी हो तो पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी भी अरेंज कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ पे गार्डन है, हॉल है, सॉरी हॉल नहीं गार्डन है, तो गार्डन रेस्टोरेंट में भी आप एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, इट्स अ लवली एम्बियंस, नाइस एम्बियंस, और ये मस्ट विजिट प्लेस है, आ सकते हो आप। हाईवे पे है, इसका लोकेशन मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप आ सकते हैं। अरे हमारा लस्सी नहीं आया,
और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग थोड़ा वेरिफिकेशन करते हुए बिल का, जो बहुत ही जरूरी है, जो खाया है उसका ही पैसा देना है। क्यों भाई, ज्यादा पैसा नहीं देना है ना? तो गाइस ये है यहाँ का फेमस, क्या बोलते हैं इसको, करारी रोटी। ये है करारी रोटी, कुछ ऐसे बनती है जो हमने खाई थी अंदर। दिस इज द प्रिपरेशन, कढ़ाई को उल्टा कर देते ऐसा ही है। और ये किस चीज का बनता है? मैदे का बनता है। ओके चलो, थैंक यू। तो गाइस हमारा डिनर खत्म हो गया है, तो फिर बताइए कैसा लग रहा है? वी आर मीटिंग आफ्टर सो मेनी मंथ्स फॉर डिनर, ऑलमोस्ट वन ईयर हो गया। बोरा जी ऑलमोस्ट वन ईयर कंप्लीटेड। लास्ट में तो याद है हम लोग यहां पे ही मिले थे डिनर। हां शायद लास्ट यहीं पे मिले थे। यस ऑफ कोर्स, विनीत का बर्थडे था। हां विनीत का बर्थडे था। अगेन अब इसके बाद हमको कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है। तो बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मजा आया। मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ बाहर से। ये देखिए कुछ, ये है पार्किंग एरिया, अभी खाली हो गया क्योंकि 10:30 बजने आए हैं, बहुत ही भीड़ रहता है। और ये है हाईवे पे, राइट, भरूच, हाँ भरूच नेशनल हाईवे पे है, जस्ट बिसाइड स्वामीनारायण टेम्पल, करेक्ट। बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छी जगह है, आइसक्रीम खाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये प्ले एरिया है, अगर आप वेटिंग में बैठे हो तो बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। और यहाँ पे ये पार्टी प्लॉट है, बर्थडे पार्टी, वेडिंग, उसके पीछे भी एक जगह है, वहाँ पे भी हो सकता है। सो बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय। तो गाइस अब जाने का समय आ गया है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।